not intended for kids. This video is intended for general audience of 30. स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे गाइस। तो आज तो आप बिलीव नहीं करेंगे मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ मैं आपके लिए जेड जुपिटर की, वेल रिव्यू कह सकते हैं, अनबॉक्सिंग तो नहीं, रिव्यू जरूर कह सकते हैं, डिटेल रिव्यू ऑफ जेड जुपिटर। थोड़ी हम इसकी बैटल्स भी करेंगे, मैं आपको इसके पार्ट्स भी दिखाऊंगा, वेट वगैरह भी उनका सब कुछ, और बैटल भी करेंगे। तो देखते हैं गाइस कैसा है जेड जुपिटर। कॉस्टली बेबलेट तो कह ही सकते हैं, उसके साथ साथ लेजेंडरी एमएफबी बेबलेट भी है। हर कलेक्शन की पहचान जेड जुपिटर, द प्राइस बेबलेट ऑफ एमएफबी जनरेशन। सो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट गाइस, इस रिव्यू को स्टार्ट गाइस। उससे पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस करते हैं जेड जुपिटर के रिव्यू को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो इसे पॉलिथीन से बाहर निकाला जाए गाइस। ओके, ये आ चुका है जेड जुपिटर हमारा बाहर, और इसकी ब्यूटी को देखिए जरा गाइस। इससे प्यारा बेबलेट क्या ही होगा गाइस, मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकता है। और नीचे से भी काफी ज्यादा तगड़ा है, ऊपर से तो ऑब्वियसली है ही। तो चलिए इसे फटाफट मैं खोलता हूँ अपने असेंबली टूल के साथ, फिर आपको पार्ट बाय पार्ट दिखाता हूँ जेड जुपिटर के पार्ट। ओके, सभी को स्टेडियम में रखते हैं सभी पार्ट्स को। ये इसका फ्यूजन व्हील है गाइस, और ये तो टिप है इसकी, और साथ में स्पिन ट्रैक है। तो सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं गाइस। इनका पूरा नाम है 130RB, बट इस टाइम मैंने मेटल बॉल वाला यूज़ किया है, तो MB बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। ओके, उसके बाद आता है ये 4D सिस्टम है गाइस। आपको पता ही है कि ये दोनों लेयर्स को मिला के हम 4D बेबलेट्स की लेयर बना सकते हैं। तो इसके मोड्स भी चेंज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरफ लगा दिया, फिर किसी टाइम पे ऐसे भी लगा सकते हो आप, या फिर इस तरफ भी। आई थिंक जैसे ये 4 है ना हुक्स बने हुए, तो इनके हिसाब से 2 या 4 मोड्स चेंज किए जा सकते हैं गाइस। तो ये प्रॉपर एक फ्यूजन व्हील बना देता है जेड जुपिटर का। तो सबसे ऊपर ये रहा जेड जुपिटर का फेस वोल्ट गाइस आपके सामने। इसके यहाँ पे मैं आपको इसका सीरियल कोड भी बता देता हूँ, ये देखिए, इससे पता चलता है कि ये पूरा ऑथेंटिक बेबलेट है। तो चलिए इसका कुछ वेट कर लिया जाए हमारे वेट स्केल के साथ। तो वेट स्केल हमारा आ चुका है गाइस। सबसे पहले वेट देखते हैं फेस वोल्ट का, 0 grams, कोई भी मतलब 1 gram से नीचे ही है इसका वेट। अगर इसे भी रख दे तो ओके 4 gram हो जाता है गाइस, इन दोनों को मिला के होता है 4 gram। ओके, उसके बाद इसे देख लेते हैं, इसका स्पिन ट्रैक और टिप 5 gram के अराउंड है ये। ओके, 4 और 5 9 gram। और अब देखते हैं फ्यूजन व्हील का वेट, 39 gram है गाइस। फ्यूजन व्हील का वेट 39 grams बताया जा रहा है इस मशीन के द्वारा। वेल इतना ही है वैसे भी। तो चलिए इसे फटाफट असेंबल करते हैं, फिर इसका कलेक्टिव वेट भी चेक कर लेते हैं एक बार कि इकट्ठे कितना आता है। तो चलिए जेड जुपिटर का वेट देख लेते हैं कितना आता है, 49 grams गाइस। ओके, रियली गुड गाइस, 1 gram बढ़ गया कलेक्टिव में जब जोड़ा, तो 48 grams अब हो चुका है। तो 49 grams का ये बेबलेट है गाइस, रियली रियली अमेजिंग बेबलेट है। आपको पता ही है जेड जुपिटर का फैंस तो हर कोई है यार, हर कोई पसंद करता है इस बेबलेट को। तो चलिए टेस्ट स्पिन करके देखते हैं जेड जुपिटर की, 3-1 को शूट, देखते हैं कैसा बेबलेट बिहेव करता है स्टेडियम में। तो ऑब्वियसली स्टेबल तो होगा ही, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बेबलेट है, डिफेंस टाइप बेबलेट है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि ये डिफेंस टाइप बेबलेट है हमारा जेड जुपिटर। तो कुछ बैटल्स भी करना बनती है गाइस। सबसे पहले तो सबसे तगड़े बस्ट बेबलेट के साथ बैटल करवाते हैं इसका, जो कि है गिल्टी लॉन्गनेस। गिल्टी लॉन्गनेस का वेट 80 grams के अराउंड है, या उससे अब भी निकल जाता है। 3-1 गो शूट, जेड जुपिटर हमारा ऑलमोस्ट हाफ है उसके, देखते हैं क्या हरा पाएगा जेड जुपिटर को गिल्टी लॉन्गनेस। वेल ओके, 4D बेबलेट तो ज़रूर है जेड जुपिटर, पर गिल्टी लॉन्गनेस लाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी है जेड जुपिटर से, तो मुझे लगता है गिल्टी लॉन्गनेस जीत जाएगा इसमें, बट देखते हैं गाइस। ओ, जीत चुका है गिल्टी लॉन्गनेस गाइस, बैटल क्लोज तो ज़रूर था। चलिए एक और मैच कर लेते हैं, इस बार हम पहले गिल्टी लॉन्गनेस को ही भेज देंगे उसके लॉन्चर के साथ ही। 3-1 गो शूट, ओके गिल्टी लॉन्गनेस आ चुका है स्टेडियम गाइस, उसके बाद भेजते हैं जेड जुपिटर को। ओ भाई,
जेड जुपिटर को उठा के बाहर फेंका गिल्टी लोगनस से। डैम इट मैन, भाई गिल्टी लोगनस तो तोड़ देगा बेबलेट ये भाई, इससे फाइट नहीं करवाएंगे, ये तो पक्का कुछ डैमेज करेगा गिल्टी लोगनस इसे, बाकी हमें तो तोड़वाना नहीं है इसे, अभी अभी तो आया है, ऊपर से सुपर डुपर कॉस्टली भी आएगा इस, तो यू आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट इसकी डेडिकेटेड बैटल वीडियोज़ हम ज़रूर लेके आएंगे आपको, हर एक मतलब जो कोई भी आप डिमांड करोगे उसके साथ तो हो गई। इससे देख लेते हैं एक बार, थोर बेबलेट के से तो डैमेज नहीं होना चाहिए इसे, तो देखते हैं थोर बेबलेट को हरा पाता है या फिर नहीं। थोर बेबलेट को मैंने हैंड स्पिन किया था बिकॉज आपको पता ही है थोर बेबलेट का स्टेमिना सबसे ज़्यादा है गाइस, और जेड जुपिटर डिफेंस टाइप बेबलेट, बट क्या थोर बेबलेट से ज़्यादा स्टेमिना है इसमें? मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी देखते हैं गाइस कि थोर बेबलेट काफ़ी स्लो स्लो टक्कर कर रहा है इसे। आई थिंक जीत जाएगा थोर बेबलेट। जेड जुपिटर कम ऑन मैन, ओ जीत गया जीत गया जीत गया, फाइनली जीत चुका है जेड जुपिटर गाइस। तो मैं आपको इसके वन बाय वन पार्ट्स दिखा देता हूँ। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो जेड जुपिटर हमारा हो चुका है वापस से असेंबल गाइस, मैंने आपको पार्ट बाय पार्ट दिखा दिया इस बेब्लेड को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो भाई आज तो जेड जुपिटर के लिए एक लाइक तो बनता ही है गाइस। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये बेब्लेड कैसा लगा। ऑब्वियसली ये भी अगर आपका ये बे फेवरेट है तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट या फिर कह सकते हैं बैटल वीडियो में, इसकी बैटल्स वगैरह भी लाएंगे, अनबॉक्सिंग भी बहुत सारी आ रही हैं गाइस ऑसम ऑसम बेस की। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हमें और मोटिवेशन भी मिलती है कि हम और वीडियोज़ बनाएँ। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। फ्री स्टाइल ब्लेड वेल फॉर द जेड जुपिटर टुडे, ओवर एंड आउट।